है कि एज अ मुस्लिम वुमन, एज अ मुस्लिम गर्ल, मुझे सनातन धर्म से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। क्यों लगता है, इसका भी एक रीज़न, बिकॉज ऑफ महिलाओं को बहुत ज़्यादा आज़ादी और सम्मान मिलता है सनातन धर्म में। ओह यार, यार ये कितनी औसम है। हिंदू, सिर्फ हिंदू के बारे में आपने बताना है, एक अच्छी बात एक बुरी बात। अच्छी बात यह है कि एक तो हम लोगों का कल्चर बहुत सेम है, मिलता जुलता है, वो भी हमारी तरह मोस्टली स्ट्रगल करते हैं, काम करते हैं, तो ये हम में बहुत ही सिमिलरिटीज़ हैं, तो ये अच्छी बात है उनकी हमारे साथ। और अच्छी बात उनकी है कि उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पक्का कीदर। हाँ, बिल्कुल, बहुत आपने वो मतलब क्या कहते हैं ना, बेनिफिट वाली बात बताई है कि हम लोग ईमान पे पुख्ता यकीन रखते हैं, हम डगमगा जाते हैं। हाँ, तो जो है अपने उनका बहुत पक्का कीदा होता है, वो सोचते हैं कि ये जो हम कर रहे बिल्कुल वो पूरा होगा और यकीनन हो जाता है उनकी बात। बहुत मुश्किल सवाल है कि पूरी बात बतानी है, अच्छी बातें तो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छी बात की जाए तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत क्रिएटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होते हैं। एक ये आप देखते हो कि हम लोग कहते हैं जब हमारे पे मुसीबत आती है हम अल्लाह को तब याद करते हैं। बिल्कुल, उसके अलावा नहीं करते ना, ना शुक्रिया करते हैं, बिल्कुल नमाज का हमें पता नहीं होता है, ऑल ओवर वैसे हमें चीज़ों का सब पता होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ पर देखते हो कि हिंदू में ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि उनके कोई होता है ना, जैसे मुझे उनके इतने त्योहारों को पता नहीं है जो वो करते हैं पूजा वगैरह, ऐसा उन्होंने रेगुलर करनी है और हमें हम पे फर्ज है नमाज, हम नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल यही बात है ना, एक पढ़ेंगे दूसरे कहेंगे चलो कल पढ़ लेंगे या बाद में पढ़ लेंगे। बिल्कुल, बहुत सही पकड़े हैं। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज पूरे दुनिया में शुरू हो चुका है सनातनियों का ट्रेंड, हर देश सनातनियों का रंगों में रंगते ही जा रहा है। दोस्तों पूरे दुनिया में फेस्टिवल, कल्चर, भाषाएं, रीति रिवाज कहीं है तो सिर्फ भारत में ही है, हिंदुओं को ही है, और ये हमारे हजारों साल पुरानी हिंदू कल्चर है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया अपनाने लगी है, और कल्चर के साथ साथ सनातनी भी बनते जा रहे हैं। दुनिया के काफी जगहों से लोग स्पिरिचुअल नॉलेज, मन के शांति की खोज में आते हैं, और पूरी दुनिया को हिंदुओं का कल्चर इतनी पसंद आने लगी है कि हर जगह देखने को मिल जाएंगे। और वहीं पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में तो हमारे कल्चर के इतने दीवाने हैं, और यही देखते हुए पाकिस्तानी लड़कियां सनातन धर्म में आती ही जा रही हैं। और सबसे बड़ा हेल्प उन लड़कियों को सोशल मीडिया कर रहा है, और वो देख पा रही है कि सनातन धर्म कितना सुंदर है और फीमेल को कितना सम्मान मिलता है, कितना रेस्पेक्ट मिलता है, और यही सब देखते हुए हिंदू लड़कों के साथ भागकर शादियां कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस्लाम के अंदर लड़कियों को कोई आज़ादी है ही नहीं, कोई सम्मान है ही नहीं। बात आ जाती है क्या क्या फेस करना पड़ता है औरत को, बहुत कुछ। यहाँ जिस तरह से मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, ठीक है ना, आपको पता है कि अगर हम बाहर के मुल्क में हो तो कोई इंटरफेरेंस नहीं करता लाइफ में, ठीक है ना, लेकिन आप देखिए हर कोई आपको देखेगा वो कौन है वो कौन नहीं है। इस तरह से खानदान में भी मुझ कुछ फेस करना पड़ता है, मतलब मैं कहती हूँ कि एक मैं वैसे देना चाहूँगी कि जब और जो मर्द है ना वो जब औरत को नहीं हासिल कर पाता तो वो उसकी इज्जत पे बात करता है, और जब औरत मियार पे नहीं उतर सकती ना तो वो फिर इज्जत पे बात करता है। पाकिस्तान में ही ओवरऑल, पाकिस्तान में सिर्फ वाइड में गई हूँ, मलेशिया से होके आई हुई हूँ, वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ फेस करना पड़ा। अगर यहाँ पर अब आया भी पहना होगा तो क्या आपको ये सब देखेंगे वो? बिल्कुल, मैंने पर्दे में भी जॉब करके देखी है और मैंने ऐसे भी जॉब करके देखी है, मुझे पर्दे में ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा। और हम बता भी नहीं सकते ना, अगर हैरेसमेंट हो रही है तो हम अगर अपनी फैमिली में बताते हैं तो वो दर्द खत्म हो जाए। एग्जैक्टली, वो हमें स्टॉप कर देंगे कि नहीं तुम रुक जाओ, गैरत खतरे में आ जाएगा। एग्जैक्टली, बहुत सारे हमारे जो गैरतमंद हजरात है वो हमसे डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन उनको भी पता है कि वो कहाँ पे एग्री करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। ये तो अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है कि वो कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। एक आखिरी सवाल आप दोनों से पूछ लेती हूँ, मैं भी रिसेंटली खबर पढ़ी थी कि दुनिया की जो अभी एशियन चैंपियनशिप औरतों की हो रही है उसमें सबसे ज्यादा विन जिसने किया है वो इंडियन औरतें हैं, वो इंडियन वुमेन है, तो वो अगर उनकी इंडियन औरतों की बात करें, हमारी अगर बात करें तो वो उनकी औरतें कहाँ है हम कहाँ है? इंडियन एम्पावर, वो अपनी जो वुमेन एम्पावरमेंट है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, चाहे वो हैंड वर्क हो या फिर होम बेस्ड वर्क, वहाँ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन वाइज उनके मेरिट्स, और औरतों के लिए अलग सीट्स हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ में। और यहाँ पर देखा जाए तो जो है प्रेफरेंस मर्दों को ज़्यादा देते हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो या आर्मी हो, ज़्यादा सीट्स मर्दों की होती है, तो औरत को कमज़ोर समझा जाता है, औरत को कमजोर है दिमाग वाली जी। लेकिन हमको ये नहीं पता है जो आधे दिमाग वाले समझते हैं उसके पीछे जो पूरा डेढ़ दिमाग है वो औरत का ही है। बात है, इंडियन औरत कहाँ है, पाकिस्तानी औरत कहाँ है? इंडियन औरत देखा जाए तो जाहिर सी बात है नजर आ रहा है ऑन सोशल मीडिया और हम देख रहे हैं प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो बहुत आगे है बनिस्बत हमारे,
तो उसमें देखा जाए तो वही है सारी के हम लोगों को थोड़ा पीछे रखा जाता है, हम लोगों को लाइक इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है मे बी लोगों में, यही अंडर एजुकेशन की बात करते हैं, जॉब्स की बात करते हैं या हर सेक्टर की बात करते हैं, तो क्या उनकी औरत हमसे ज्यादा आगे बढ़ चुकी है? हाँ बढ़ तो चुकी है, ये फैक्ट है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मुझे लगता है इस पे हमें काम करना पड़ेगा कि हमें इस चीज़ में आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा कि औरत तो औरत है, वो चाहे इंडिया की है या पाकिस्तान की है। कोई गेम्स में यहाँ लड़की जाती है आगे बढ़ने की कोशिश करती है, एम्पावर किया जाता है? नो, सबसे पहले तो ड्रेसिंग पे कि अच्छा आप ये लड़की हो के लड़कों वाले कपड़े पहनेगी, ओ क्रिकेट खेलेगी, ट्राउजर शर्ट पहनेगी, ये करेगी, ये तो छोटी छोटी बात। कवर अप हमारे एक पोइट है बहुत मशहूर मंटो, ऐसा आदत हसन मंटो, उनकी एक लाइन में ऐड करूंगी, वो कहते हैं हम औरत सिर्फ उसी को समझते हैं जो हमारी चार दीवारी के अंदर होती है, बाकी सबको तो सिर्फ हम एक गोश्त का टुकड़ा समझते हैं और उसके सामने भूखे कुत्ते की तरह हम खड़े रहते हैं। भाई मुझे यहाँ पर जितने मर्द हजरात मिले हैं कहते हैं कि अब बिरयानी की प्लेट है, अब बिरयानी की प्लेट सामने आएगी तो हमें भूख लगेगी, तो उनको यही कहना चाहिए ना, इसका मतलब है आप कुत्ते ही हैं जो भूख आपको गोश्त देख के तो भूख लग जाती है, सो बेसिकली वो अपने आप को डॉग ही कह रहे हैं कि हम कुत्ते हैं। बिरयानी की प्लेट का बुरका भी बना दो वो फिर भी स्कैन कर ही लेंगे ऐसे ही। उन लड़कियों को आज़ादी है अपनी मर्जी से कपड़े पहनने की, वो शॉर्ट भी पहन लेते हैं, वो लॉन्ग भी पहन लेते हैं, वो जाती हैं, ऐसा नहीं कह रही कि वहाँ पे सारे गलत है और यहाँ सही है या यहाँ सारे गलत है वहाँ सही है, बट हम हमेशा सोसाइटी में जो मेजॉरिटी होती है उसकी बात करते हैं। मर्द जो है ना वो पता नहीं अपने आप को क्या ही समझते हैं। इस मुल्क को जहन्नम बना दिया मौलवियों ने, इस मुल्क को मौलवियों से पाक किए बगैर आप एक इंच तरक्की नहीं कर सकते। मौलवी ज्यादा कहते हैं कि यहाँ पर फिर हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है, जो हम कर रहे हैं इस पर हम पर्दा डालते हैं, ये बात है, यही बात मैं कहता हूँ कि वहाँ पर जो है ना हम जरा सरा वहाँ पर एक परिंदा भी पर मार जाए ना तो हम लोग सड़कों पे आ जाते हैं। आप मुझे बताएं कौन सा मुल्क है जहाँ पर अकलीतों को जिंदा जला दिया जाता है, चर्चों को आग लगा दी जाती है, मंदिरों को आग लगा दी जाती है, उसकी वजह सिर्फ एक ही है। मैं हाथ जोड़ता हूँ आर्मी चीफ से, मैं हाथ जोड़ता हूँ आर्मी के पूरे जनरलों से, आइए सही से खुदा के वास्ते इन मुल्लाओं की परवरिश करना छोड़ दो, इन मुल्लाओं को इतना ज़्यादा मत इनको प्रमोट करो कि ये चौधरी बन जाए, बदमाश बन जाए, जिसको दिल किया कत्ल कर दें। दोस्तों इनके इस्लाम में तो यही तो सिखाया जाता है, मार काट करना, जोर जबरदस्ती करना, औरतों पर अत्याचार करना, यही तो इनकी औकात है और ये सब यही हरकतें कर सकते हैं। और ये औरतों को लड़कियों को खेती से बोलते हैं और ना जाने क्या क्या बोलते हैं, मतलब कि कोई रेस्पेक्ट कोई सम्मान है ही नहीं, क्योंकि ये सब जाहिल लोग हैं, अनपढ़ हैं, और यहाँ तक कि इनको इतना टॉर्चर करते हैं जिसके वजह से वह कुछ भी नहीं बोल पाती है और ना ही कुछ भी कर पाती है, उनको आदत बन गया है मार खाने का। लेकिन सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें औरतों को औरतों पे हाथ उठाना पाप समझा जाता है, औरतों को रेस्पेक्ट किया जाता है और पूजा भी की जाती है, और इसीलिए तो पूरी दुनिया भर में सनातन का डंका बज रहा है और बहुत तेजी से सनातन धर्म में पूरी दुनिया भर से लोग आते जा रहे हैं। खैर दोस्तों आप सब कमेंट करके बताना कि आप सब इन जाहिल पाकिस्तानियों के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप सब भी इन जाहिल पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं, आप सब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।